लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शक्तिमान की कॉमिक्स का आइडिया बुरा नहीं है गंगाधर। एक बूंद अमृत जी, हमने कब कहा कि शक्तिमान भैया के चित्र कथा अर्थात कॉमिक्स का विचार बुरा है? फिर तुमने मिस्टर बागची की बात मान क्यों नहीं ली? कोई भी निर्णय करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए, इसीलिए हमने बागची भैया से थोड़ा सा समय मांग लिया। मगर ये समय सोच विचारने का नहीं है गंगाधर, बिल्कुल नहीं है। कई समय बदल गया, कई बागची का विचार बदल गया तो वो कॉमिक्स निकालेगा ही नहीं। अरे पर तो फिर हम कोई दूसरा कार्य ढूंढ लेंगे, काम की कोई कमी है बाजार में? अरे कोई दूसरा काम ढूंढना इतना आसान थोड़ी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जमाना है गंगाधर। रोज नए सैटेलाइट चैनल खुल रहे हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस है? हमें कोई टीवी रेडियो का? हम तो अखबार वाले हैं ना। ये शक्तिमान कॉमिक्स का आइडिया जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉमिक्स का धंधा हमारे धंधे से मिलता जुलता है, हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए बच्चों को कितना शौक है कॉमिक्स पढ़ने का, है कि नहीं? मुझे यकीन है कि शक्तिमान की कॉमिक्स का आइडिया हिट हो जाएगा, बच्चे उसे जरूर पढ़ेंगे, वो सुपर हिट हो जाएगा। गंगाधर मेरी बात मान लो। मैं कहता हूँ बागची की यह बात मान लो, उसको हाँ कह दो। हाँ तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत होगी ना? हाँ ये मकान मालिक का पैसा है, ये दूध वाला, ये राशन वाला, हाँ इन सबके पैसे तुम कहाँ से लाओगे बताओ? आपका विचार सही है, 16 आने सही है सुधांशु भैया, परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले हम हमेशा विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं। आप ऐसा कीजिए, जाइए घर पे आराम से सो जाइए, रात को सोके आप सोचिए और हम भी अपने बिस्तर पर बैठकर सोचेंगे और कल सुबह आपको अपने निर्णय से अवगत करा देंगे। नमस्कार। अरे कैसा अजीब आदमी है भाई, हैं? इतनी छोटी सी बात का फैसला करने के लिए इतना समय लगाएगा? पता नहीं इसमें ऐसा क्या है कि शक्तिमान बार बार इसी से आके मिलता है, मुझसे तो मिलता ही नहीं, क्यों नहीं मिलता है? अब हम सुधांशु भैया को क्या बताएं कि शक्तिमान भैया हमसे मिलता नहीं है, हम खुद ही शक्तिमान हैं। हाँ अब कहो, कौन जानता है शक्तिमान के बारे में? है एक आदमी दीदी, पंडित गंगाधर शास्त्री। ये देखो शक्तिमान के ताजा फोटोग्राफ्स, वही खींच कर लाया है ने? नाइस फोटोग्राफ्स। इसके पोस्टर काफी बिकेंगे। वो तो है ही दीदी, लेकिन अगर हम शक्तिमान के कॉमिक्स निकालें तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हमारी नहीं, सिर्फ मेरी। तुम मेरे भाई जरूर हो, मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं। तुम सिर्फ अपने फोटो स्टूडियो पे ध्यान दो, ओके? दीदी इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसलिए ये आइडिया लेकर मैं आपके पास आया था। स्टूपिड आइडियाज मुझे मत सुनाया करो।
मेरी पब्लिशिंग कंपनी बहुत बड़ी है। बड़े बड़े लेखकों के महंगे उपन्यास हम लोग छापते हैं। बच्चों के कॉमिक्स छापने की हमें कोई जरूरत नहीं। मुझे मालूम है दीदी, इसकी जरूरत आपकी कंपनी को नहीं है, लेकिन मानसी बिटिया को इसकी जरूरत है। दीदी, अब मानसी बिटिया बड़ी हो चुकी है और वो आपकी सारी जायदाद की इकलौती वारिस है। क्या आपको नहीं लगता कि उसे अब कुछ काम संभालना चाहिए? मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है उसने, लेकिन बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। सारा वक्त अपने आवारा दोस्तों के साथ नाचना गाना पार्टीज डिस्को में बर्बाद करती है। दीदी, इसके अलावा वो एक काम और करती रहती है। क्या? अरे वो दिन भर ढेर सारे कॉमिक्स पढ़ती रहती है। तो क्या दीदी, हमें उसे समझने की जरूरत है। हम उसकी रुचि को अगर बिजनेस के साथ जोड़ दें तो वो कॉमिक्स का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकती है और आपकी सारी शिकायतें दूर हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ दीदी, दो दिन बाद ही मानसी अमेरिका से घूमकर इंडिया वापस आ रही है। उसके आते ही हमें उसे कॉमिक्स का काम सौंप कर सरप्राइज देना चाहिए। खुश हो जाएगी वो। ठीक है, मगर कॉमिक्स बनाएंगे कैसे, उसकी कहानी? अरे वही गंगाधर लाएगा दीदी, शक्तिमान की सारी न्यूज वही लाता था और उसी न्यूज को हम कहानी बनाकर शक्तिमान के कॉमिक्स बनाएंगे। वो तैयार है? अभी उसने हाँ नहीं कहा है, लेकिन मैं उसे तैयार कर लूंगा। तुम्हारी इसी बात से मुझे चिढ़ है हरीश, उसने हाँ भी नहीं कहा और तुमने सारा प्लान बना लिया। मुझे विश्वास है दीदी, उसने मुझे कहा था कि कुछ दिन में सोचकर बताएगा। उसके बताने का इंतजार मत करो, खुद जाकर उससे पूछो उसका फैसला क्या है, और हो सके तो उसे शाम को चाय पे ले आना। ठीक है दीदी, मैं खुद जाऊंगा पंडित गंगाधर शास्त्री के घर। मणि ने मुझे बताया था कि हिमतुंग शिखर पर मेरा जन्म हुआ था। सत्य के योद्धा को जन्म दे ही दिया आपने कौशल्या जी। योद्धा का बेटा योद्धा ही होगा ना मेजर साहब? ये आपकी पहचान है? हमारी नहीं, हम दोनों की। हम दोनों की कौशल्या, और हम दोनों की ही क्यों, मानवता की पहचान बनकर चमकना है इसे। जानती है कौशल्या जी, हमारा बेटा आने वाले समाज की जरूरत है, आने वाले कल की जरूरत। हम यहाँ हैं। ओए, हेलो। ए, हम यहाँ हैं। ओए, we are here। हम यहाँ हैं। ओए। Hands up. Your weapon, Major. ये तलवार मुझे दे दो। और आप चलकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए मिसेज रंजीत सिंह। सुना नहीं मैंने क्या कहा?
अब मुझे क्या करना है? मेजर रंजीत सिंह, अब तुम यहीं बैठकर आराम करो। क्या मतलब? तुम्हारा बच्चा अंधेरे की जरूरत है, हम उसे लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं कौशल्या, इनके साथ मत जाना, ये शैतान है। कौशल्या इंजन में आग लग गई है कौशल्या, ये हेलीकॉप्टर कभी भी फट सकता है। हाँ? तभी भी फट सकता है। हाँ, लेकिन क्या हम इसे नीचे नहीं उतार सकते? हमें बच्चे को बचाना चाहिए। लेकिन कैसे? फिक्र मत करो, ये तलवार इसकी रक्षा करेगी। वक्त बहुत कम है, मुझे बच्चा दो। वक्त बहुत कम है कौशल्या, वक्त बहुत कम है। आप क्या कर रहे हो? इस तलवार के सहारे इस बच्चे को मैं नीचे फेंकूंगा। ये तलवार इसे जरूर बचाएगी। नहीं ये तलवार जरूर बचाएगी इसे कौशल्या। तुम फिक्र मत करो कौशल्या, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। ये तलवार इसकी रक्षा करेगी, ये तलवार इसकी रक्षा करेगी। अलविदा। लेकिन हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद मैं बच कैसे गया? मुझे आगे की कहानी मणि से पूछनी चाहिए। ये कौन है? लाल जी, उनका घर नहीं है। कहा ना, ये कन्हैया लाल जी का घर नहीं है। ये कन्हैया लाल का ही घर है। मेरा नाम कन्हैया लाल है, मैं इस मकान का मालिक हूँ। जी, मैं इस मकान का मालिक हूँ। मालिक? क्या हुआ? क्या आपको, आपको कभी देखा नहीं है ना, इसलिए आपको पहचान नहीं पाए। दरअसल क्या है कि हमने वो बिचौलिया महाशय से। कौन कौन महाशय? वो बिचौलिया, वो बीच में लिया, यानी कि वो आपके और हमारे बीच में वो जो आते हैं ना, वो जो उसे क्या कहते हैं, उसे एजेंट। हाँ, वो स्टेट एजेंट। दलाल? हाँ, वो दलाल कह लीजिए उसे। उससे हमने घर ले लिया किराए पर, इसलिए हम आपको देखा नहीं, इसलिए आपको पहचाना नहीं। इसीलिए ये घर तुम्हें किराए पर मिल गया। अगर हम तुम्हें पहले देख लेते ना, ये घर कभी भी तुम्हें किराए पर ना देते। पता है 3 महीने का किराया बाकी है, 3 महीने। हाँ, का वो दरअसल क्या है कि वो हमारा, वो हमारा अखबार बंद हो गया ना, इसीलिए। तो अब वो क्या है कि वो जब दूसरा काम शुरू हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे जरूर। दूसरा काम शुरू ना हुआ तो? नहीं तो होगा ना, होगा ना, क्यों नहीं होगा? दूसरा काम शुरू होगा, क्यों नहीं होगा? शुरू होगा या नहीं होगा, मुझे 10 दिन के अंदर अंदर मेरा किराया चाहिए, वरना तुम्हें और तुम्हारे सामान को उठाकर बाहर फेंक दूंगा और ताला लगा दूंगा। जी हाँ, मेरा किराया मेरे घर पहुँच जाना चाहिए। जी सीधा मेरे घर। जी हाँ, याद है ना, 10 दिन के अंदर अंदर। जी 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 जी, जी। याद है ना, 10 दिन के अंदर अंदर। अब ये कौन आ गया? कहीं कन्हैया लाल जी ने सुन तो नहीं लिया हमें उनकी नकल करते हुए?
अरे दूध वाले भैया। राम राम बाबूजी। राम 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 राम। आप ठहरिए, हम बर्तन लेकर आते हैं। बर्तन? रहने भी दीजिए बाबूजी, आप बर्तन लाके का करेंगे? क्यों, क्या आपने भी प्लास्टिक की थैली में दूध देना शुरू कर दिया? अभी बता देते हैं आपको, हमारे डब्बे में दूध नहीं है, दिखा ही देते हैं। लीजिए लीजिए, देखिए लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर क्या, इधर क्या, सचमुच खाली है? बिल्कुल खाली है, पूरा खाली है। अब वो ऐसा है बाबूजी कि आपके घर पहुंचने से पहले ही पहले हमारा सारा का सारा दूध ही खत्म हो गया। परंतु क्यों, दूध खत्म कैसे हो गया? अब कहा बताएं बाबूजी, वो ससुरी भैंस, हमारी भैंस है ना, आज उसने बहुत ही कम दूध दिया बाबूजी। अब भैंस का का है बाबूजी, उसको जितना चारा खिलाइएगा बस उतना ही दूध देती है, जरा सा चारा कम किया नहीं बाबूजी वो ससुरी बिल्कुल दूधे कम कर देती है। तो क्या कल तुमने उसको चारा कम खिलाया था? अरे ज्यादा चारा खरीदने के लिए पैसा रुपया चाहिए ना, पहले हम दूध में पानी मिलाते थे, 2 का 5 लीटर दूध तो इनकम हमारी डबल होती थी, आपको याद है ना? अरे पिछले साल जब आपने हमको ज्ञान दिया था कि दूध में पानी नहीं मिलाए हम, ये अच्छी बात नहीं है। बस बस समझ लीजिए बाबूजी, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, हमारी सारी की सारी इनकम सिंगल हो गई बाबूजी। अब सिंगल इनकम माँ उस भैंस को चारा कहाँ से खिलाएं बाबूजी? और उससे भी ज्यादा दुख की बात तो ये है बाबूजी कि हमारा आधा से ज्यादा पैसा तो उधारी में फंसा हुआ है, इस नासमझ को अब आप ही बताइए बाबूजी, ऐसे में हम क्या करें? वो तो हमने भी आपको 2 महीने से शायद दिए नहीं पैसे हम, परंतु आप चिंता मत कीजिए, हम अगले हफ्ते हम आपका हिसाब पूरा कर देंगे। अगले हफ्ते चुका देंगे आप? बहुत बहुत मेहरबानी होगी बाबूजी आपकी, आप बड़े दयालु हैं। तो फिर दूध भी हम आपको अगले हफ्ते ही देना शुरू कर देंगे जी, ठीक है ना? ठीक रहेगा ना? हाँ जी। अच्छा तो फिर अब चलते हैं बाबूजी, राम राम। राम राम। ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते। अगला हफ्ता। हाँ राम राम। राम राम। दूध। राम राम। राम राम कहकर चले गए, अब दूध भी बंद हो गया हमारा। बंधु अब कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा गंगाधर। ये ठक 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 ठक, लगता है ये ठक ठक हमारे सर पर हथौड़े की तरह मार रही है लोग। अब लगता है फिर कोई पैसे मांगने आया होगा। कौन है भाई, यहां तो कोई नहीं है? हम हैं। नमस्कार। अरे बागची महाशय, आपको हमारे घर का पता किसने दिया? अरे ढूंढने से तो गॉड भी मिल जाता है, और फिर आप तो एक बहुत फेमस फोटोग्राफर हैं। हाँ वो तो है, वो तो है, वो तो है। अंदर आने को नहीं कहोगे? अंदर? हाँ हाँ, आइए ना आइए ना आइए ना आइए ना आइए ना। क्या सोचा है आपने? किस बारे में? शक्तिमान कॉमिक्स में काम करने के बारे में। ओ, अंदर आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए इधर बैठिए। गंगाधर जी, आपने क्या सोचा है? अब फल खाएंगे फल। अरे आपने क्या सोचा है? ये अनार खाएंगे अनार। अरे आपने क्या सोचा है? किसके बारे में? शक्तिमान कॉमिक्स के बारे में। ओ, शक्तिमान कॉमिक्स के बारे में। हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आप हमें सोच कर बताएंगे कि आपको हमारे साथ काम करना है या नहीं करना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जरूर हमारे साथ काम करने के हक में फैसला किया होगा। अब जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, फिर इनके लिए काम करने में क्या बुराई है? हाँ कर देता। अरे गंगाधर जी। जी? शक्तिमान।